सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज लेसन नंबर थ्री क्लास सेवेंथ गोपाल एंड द हिल सर्विश ये चैप्टर मैंने आपको करवा दिया था पहले अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ तो वाई डिड द किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट द हिल सर्विश क्यों नहीं जाता था राजा हिल्सा फिश के बारे में और बात की जाए एवरी वन अराउंड द किंग वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश जितने भी लोग थे ना राजा के इर्द गिर्द वो सारे हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे दिस हैज इन्फ्रिटेड द किंग सो ही डिड नॉट वॉन्ट एनी वन ये क्या खिंच गए उससे ये सुन सुन के ना राजा खिंच गया फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो उसे वो नहीं चाहता था कि कोई भी इसके बारे में बात करें ओके वॉट डिड द किंग आक्स गोपाल टू डू टू प्रूव डैट ही वॉज क्लेवर राजा ने गोपाल से क्या कहा यह प्रूव करने के लिए भी तू क्लेवर है मतलब चालाक है तो बता कैसे प्रूव करेगा ओके द किंग आग गोपाल टू बाई एज हिलसा फिश फ्राम दी मार्केट एंड वेन श्योर डेट नो वन शुड टॉक टू हिम अबाउट द फिश ऑन द एंटायर वे फ्राम दी मार्केट टू द पैलेस उसने आ, राजा ने चैलेंज किया उसको कि तू एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेके आ मार्केट से और इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी सारे रास्ते मार्केट से लेके राजमहल तक कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे जो तू लेके आया। जाए ओके वॉट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश कौन सी तीन चीज़ें गोपाल ने की हिल्सा फिश लेने से पहले तो गोपाल हाफ शेवन इज फेस एक तो उसने हाफ़ शेव कर लिया स्मियर्ड ऐश ऑन इज बॉडी राख मल्ली वो रग्स बिफोर गोइंग टू बाय हिलसा फिश और फटे पुराने कपड़े पहन लिए हिलसा फिश लेने जाने के लिए ओके हाउ डिड गोपाल गेट इन साइड द पैलेस टू सी किंग आफ्टर ही हैड प्रोड द फिश अब वो राजा के पास कैसे जगह हिलसा फिश दिखाने के लिए क्योंकि वो तो तैयार ही ऐसा हुआ था गोपाल स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस एट ए लाउड वॉइस द किंग हर्ड द नॉइज एंड आज द मैन टू बी प्राउड इन साइड अच्छा इस कहानी के अनुसार क्या था भी राजा जो था मतलब वो बाहर जैसे तैयार होकर फिश लेके आता है तो दरबारी देख के उसको मना कर देते हैं तो वो क्या करता है जोर जोर से गाना स्टार्ट कर देता है और नाचना स्टार्ट कर देता है महल के आगे ऊँची ऊंची आवाज में तो जो राजा है वो उसकी आवाज़ सुन लेता है और उसको कहता है अपने मतलब जो दरबान होता है उसको कहता है भाई इसको अंदर ले आओ ओके एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्स ऑफिश विच गोपाल हैड ब्राउन तो अब इसमें आपको बताना है कि क्यों कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए जो गोपाल लेके आया तो नोवल वॉल्स इज इंटरेस्टेड अबाउट द हिल्स ऑफिश गोपाल हैड बॉट बिकॉज ऑफ गोपाल कंडीशन कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि गोपाल की कंडीशन ही ऐसी थी उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे ही वॉज वियरिंग रक्स हिज फेस वॉश हाफ सेवन आधा शेव किया हुआ था राख मली हुई थी पूरी बॉडी में आ, पीपल वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द दे अपीरेंस देन द दे फिश जो गोपाल का अपीरेंस था उसको देख के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे ठीक है और अब मैं आपको बताती हूँ बुक में से थोड़ा सा बुक में आपकी ट्रू और फॉल्स हैं तो सबसे पहले ट्रू और फॉल्स है द किंग लॉस्ट इज़ टेम्पर इजिली तो ये ट्रू आएगा ठीक है गोपाल वॉज ए मैड मैन गोपाल पागल था नो no. फॉल्स आएगा गोपाल वॉज ए ग्लेवर मैन हाँ ट्रू आएगा गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड फोर डिसेंट क्लोथ वो बहुत ज़्यादा गरीब था नहीं फॉल्स द किंग गॉट एंग्री वेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग फॉल्स राजा तो बड़ा खुश हुआ क्योंकि कोई किसी के बारे में बता नहीं था उसके बाद था सेकंड है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी टू बी रिपोर्टेड स्पीच दिस वन हैज़ बिन डन फॉर यू ओके हाउ मच डिड यू पे फॉर डैट हिल्सा फिश द वुमन आस्ट द मैन हाउ मच ही पेड फॉर डैट हिल्सा फिश ओके वाई इज योर फेस हाफ शेवन ठीक है तो इसको आप चेंज करोगे गोपाल्स वाइफ आक्स्ट हिम वाई हिज फेस वॉश हाफ शेवन गोपाल की वाइफ ने उससे पूछा कि आपका फेस आधा शेवन क्यों है ये रिपोर्टेड मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट है आई एक्सेप्ट द चैलेंज ऑर मैजस्टी तो गोपाल टोल्ड द किंग दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज गोपाल ने राजा को बताया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया उसका चैलेंज फोर्थ वन इज़ आई वॉन्ट टू सी द किंग तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे गोपाल टोल्ड द गार्ड्स ये लिखा ही हुआ है आपके पास डेट ही वॉन्टेड टू सी द किंग कि वो राजा को देखना चाहता है ओके ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस उस इंसान को मेरे पास लिया हुआ अभी द किंग ऑर्डर द गार्ड्स जो दरबान थे उनको ऑर्डर किया टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस तो राजा को ने ऑर्डर किया गार्ड्स को कि उस आदमी को अभी अंदर ले आओ उसके बाद यहाँ पे मीनिंग्स और वो करना है डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढनी है और उसमें सेंटेंस का यूज़ करना है सेंटेंस का यूज़ आप ना करें तो भी चलेगा उसके अलावा अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ सबसे पहले चैलेंज है चैलेंज का मतलब होता है ए कॉल टू टेक पार्ट इन ए कंटेस्ट और कॉम्पिटिशन हम किसी को चैलेंज करते हैं ना आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो कोई कंपटिशन में पार्ट लेने के लिए ठीक है उसके बाद है सेकेंड वन इज़ मेजेस्टिक मतलब धार्मिक स्पिरिचुअल जो भी आप कह सकते हो ओके थर्ड वन इज़ कॉमिकल मतलब फ़नी मजाक किया फोर्थ वन इज़ कॉटियर दरबारी होता है जो सलाह सलू देता है राजा या रानी को तो ए पर्सन हु अटेंड्स ए रॉयल कोर्ट एज ए कंपेनियन और एडवाइजर टू द किंग और क्वीन ओके स्विमरिंग कोर्ट और माँ केयरलेसली विथ ग्रीस और ऑयल स्वमेरिंग uh, मतलब अपने आप को लपेट लेना तो इसमें इसने uh, राख के साथ अपने आप को वो कर लिया था ग्रीस ऑयल या राख किसी से भी अपनी बॉडी को पूरी तरीके से स्मेर uh, कर लेना ओके okay, चैलेंज का आपको पता चल गया ए कॉल टू टेक पार्ट इन ए कंटेंस और कॉम्पिटिशन मेजेस्टिक का स्पिरिचुअल कॉमिकल का है फनी कॉटियर ए पर्सन हु अटेंड ए रॉयल कोर्ट एज ए कंपेनियन और एडवाइजर टू द किंग और क्वीन और फोर्थ वन इज स्मेरिंग पोर्ट और मार्क ए लेस्विथ ग्रीस और ऑयल तो अब ये वीडियो देख के आप लोगों ने अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं बुक में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो वाला कंप्लीट करना है और थर्ड वन जो ये वर्ड मीनिंग है वो करना है ओके थैंक्स एंड